आधे घंटे 15-20 मिनट हो गया, 15-20 मिनट पहले तो उसने पटाखा बोला था, पटाखा बोलते ही जेल ने आग पकड़ ली। आग पकड़ने के बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई, तिरपाल जले, तिरपाल के बाद में सब आग जलती गई, सारे टोकरे जल के नष्ट हो गए। जिसके पास पैसा पड़ा था वो भी नहीं निकाल सके, वो पैसा भी हमें जल के नष्ट हो गया, किसी का मोबाइल रह गया, कि लैपटॉप पड़ा है। कितनी देर बाद अग्निशमन की गाड़ी सिर्फ 15 ये गाड़ी आई है, आधे घंटे के अंदर गाड़ी आई है। हाँ, अफसर ने सूचना कर दी। कितनी दुकानें जल गई? दुकानें यहाँ पे 15 दुकानें हैं। 15 दुकानें जल के राख हुई, सब फूल माला की दुकान है, 15 की दुकान। मेरा नाम राम गोपाल सैनी है। ये मदार गेट एरिया में बालाजी के मंदिर के सामने ट्रांसफार्मर में, जिसमें शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई। नीचे 4-5 फूलों की दुकानें हैं और मंदिर की जो दीवार है जिसको थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी आदमी को कोई चोट नहीं लगी है। समय पे पुलिस यहाँ पर पहुँच गई थी और अभी आग पे पूरा नियंत्रण पा लिया गया है। और इस पे आगे देखा जाएगा कि अगर कुछ ये शॉर्ट सर्किट कैसे लगी और इसमें क्या है, विद्युत विभाग से बात करके इसमें आगे देखा जाएगा। सर कोई जनहानि? नहीं, कोई जनहानि कुछ नहीं है, क्योंकि समय पे सब विभाग के लोग आ गए थे, जिसके कारण नियंत्रण पा लिया गया। ठीक है। ये वार्ड नंबर 12 है, यहाँ पर मदार गेट, यहाँ पर माला वाले बैठा करते हैं। वहाँ ट्रांसफार्मर है, वहाँ कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऊपर तिरपाल पे से थोड़ी सी चिंगारी गिरी, फिर वहाँ से आग लगती हुई पूरी या माला वालों के यहाँ पर फैल गई है और इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। इनको ये पता नहीं चल पाया, हड़बड़ा के सारे लोग भागे। इन्होंने देखा इनके गल्ले वगैरह भी वहीं पे हैं, किसी का एप्पल का एक लैपटॉप भी था और भी सामान इनके वहाँ पड़े हुए थे। सब कुछ जल के राख हो चुका है और काफ़ी नुकसान यहाँ माला वालों का हुआ है। कितनी दुकानें जी? कितनी दुकानें हैं ऐसी जो यहाँ थी? 8 से 10 दुकानें थी और बहुत पुरानी दुकानें थी, हमेशा कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार ये हुआ है। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, उसको भी चेंज करना था, काफ़ी टाइम से कह भी रखा था, लेकिन वो भी थोड़ी सुनवाई नहीं हुई। लापरवाही कहूँगी मैं तो इस चीज़ को, कि पहले कंप्लेंट करने के बाद भी इन लोगों ने सुनवाई नहीं करी है, तो इस चीज़ का इनको आज खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ गया है। तो इधर मैं लोगों कहना चाहूँगी प्रशासन की, इधर ध्यान देकर थोड़ा इनका जो भी मुआवजा दिलवाने की कष्ट करें।
ऐसा है, मदार गेट पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और अचानक अभी लगभग एक घंटे पहले विस्फोट हुआ और विस्फोट में से ऑयल निकला। ऑयल ने इतनी ज़बरदस्त आग पकड़ी कि आग लगते लगते पूरे लाखों रुपए का नुकसान हो गया, माला वालों का नुकसान हो गया और आग फैलते फैलते आसपास की दुकानों में पहुंच गई। और अग्निशमन को सूचना करने के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, लेकिन अग्निशमन जो है आधे घंटे बाद यहाँ पहुंची, उससे बहुत बड़े नुकसान से बच गए और यहाँ के व्यापारी बहुत दुविधा में थे, परेशान थे और तकलीफ में थे और बार बार गुहार लगा रहे थे कि अब अग्निशमन को बुला। अग्निशमन के लेट आने के कारण फिर भी लाखों रुपए का नुकसान हो गया और बहुत बड़े हादसे से बच गए। कितनी दुकानें होंगी जो इस चपेट में आ गई है? लगभग 2-3 दुकानें चपेट में आई, नीचे माला वालों की 7-8 दुकानें लगभग जलकर राख हो चुकी है। कितना नुकसान पे आइडिया लगाते हैं? लाखों में है नुकसान, लाखों का नुकसान हुआ।